अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाय मैडी। आज मैं जिस आर्टिकल के साथ आई हूँ उसका टाइटल है हाउ टू टेक ट्रांसपोज ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक ये साइड टिप मैंने ये दी है, द रोज चेंज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स चेंज टू रोज एंड वाइस वर्सा। मीन्स के जो कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाती हैं, जो रोज हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक 2x2 ऑर्डर का, 2x2 मीन्स रोज भी 2 होंगी और कॉलम्स भी 2 होंगे। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक लिख दिया। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि ये जो रो फर्स्ट मैंने पिक की है, ठीक है, इसको मैं अब नीचे रीराइट करने जा रही हूँ, इसका ट्रांसपोज लेने। छोटा सा टी लिखूंगी। अच्छा, इस जो है ना ये मैट्रिक्स, इसको मैं एक नेम दे देती हूँ। लेट से कि ये ए है। ठीक है, इसका हमने निकालना है ट्रांसपोज, तो मैं ए के ऊपर भी टी लिखूंगी छोटा सा, और यहाँ पर इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के ऊपर भी टी लिखूंगी। ठीक है, अब उसके बाद जब हम इसका ट्रांसपोज निकालने लगेंगे तो वो होगा क्या, ये जो आपको मैंने फर्स्ट रो दिखाई है ये यहाँ पे हम एज अ कॉलम लिख लेंगे, टू टू, और जो सेकेंड रो है उसको भी मैं एज अ कॉलम लिख लूंगी, वन एंड थ्री। ठीक है, इसी तरह आप ये देखें कि अब जो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया है तो अब मैंने टी भी साथ नहीं लिखा, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये मैं लिखूंगी नीचे। ठीक है, ए ट्रांसपोज तो मैंने लिखना ही है क्योंकि मैं ट्रांसपोज निकाल चुकी हूँ, उस मैट्रिक्स का निकाल चुकी हूँ जो मैंने आपको बताया था। ये तो हो गया जी 2x2 का। इसी तरह अगर मैं आपको 3x3 का बताऊं तो वो कुछ इस तरह होगा कि ओके, मैं ये क्लियर कर दूं फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, अगर मैं यहीं पर, वेट, इसको मैं क्लियर कर दूं ना, सो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर माय कैनवास। ओके, अच्छा, अब मैं अगर 3x3 का निकालना चाहूँ, राइट, सपोज मैं कहूँ कि 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है मेरे पास, दैट इज से 1, 3, 2, 1, 9, it's 9, ठीक है, 9, 7, 8, and 2, 4 and 5। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सेम हमने अपना वही प्रिंसिपल फॉलो करना है, जस्ट हमने क्या करना है, इसमें से एक एक रो वाइज इसको उठाते जाएंगे। 3, 2, 1 जो है वो, 3, 9, 2 वो कॉलम है, रो है सॉरी, उसको मैं कॉलम बना के लिख दूंगी। ठीक है, एक रो पिक की, उसको कॉलम बनाया, उसको मैं क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट है 2, 7, 4 रो, इसको मैंने 2, 7, 4 कॉलम बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी मैं अब क्रॉस कर दूंगी। ये रो होगी 1, 8, 5, इसको मैंने कॉलम बना दिया, 1, 8 and 5। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर 2x2 और 3x3 का ट्रांसपोज कैसे निकलता है। आप हमारी फर्दर वो वीडियोस देखेंगे तो एयर जॉइंट और डिटर्मिनेंट्स वगैरह भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, होप एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस।